maybe. ये जो एक्सरसाइज है ना, ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बाय द वे, हाय, माय नेम इज अक्षय, वेलकम टू माय गिटार मेथड्स टेक्निकल ट्यूसडे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ये एक्सरसाइज जो मैंने अभी प्ले करके बताई। कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सरसाइज नहीं है, बट अच्छी बात यह है कि आपकी फिंगर प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी म्यूजिकल जो वो होती है ना कि हम फिंगर प्रैक्टिस बहुत बोरिंग ऐसे चलता है, बट एटलीस्ट व्हेन यू प्ले दिस एक फील आता है कि चलो आप कुछ म्यूजिकल प्ले कर रहे हो। एंड ब्लूज, मतलब इतना ज़्यादा ब्लूजी फील है। अगर आप नहीं जानते ब्लूज़ क्या होता है, तो एक चीज़ होती है जेनरे, म्यूज़िक जेनरे, अलग अलग तरीके के म्यूज़िक होते हैं, हम उसको लेके भी वीडियो बनाना चाह रहे हैं। अगर आपको जानना है कि म्यूज़िक जेनरे क्या होता है, जैज़, मतलब सिर्फ एक ऊपरी आइडिया, हम बजाना नहीं सिखाएंगे आपको क्योंकि हमें भी नहीं आता। I mean कि वो एक अलग स्ट्रीम है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि किसको हम ब्लूज़ कहते हैं, किसको जैज़ कहते हैं, तो वो भी बात करेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं ये वाला एक्सरसाइज, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, सही से टैप सीखिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगता है। चलिए अब लेसन शुरू। पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये कि ये जो स्केल जिस पे ये बेस्ड है एक्सरसाइज जो मैं अभी आपको बजाने वाला हूँ, ये वही हमारा ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल है, ठीक है। जो आप जैसे ही पेंटाटोनिक स्केल लिखेंगे तो शुरू के 10 लेसन में जो सिखाया जाता है ना, उसी का ही पार्ट है ये। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि पहले आप ये थ्योरी हटाकर सिर्फ और सिर्फ फोकस करें इस एक्सरसाइज के टैब्स पे, उसको प्ले करें, वो साउंड अचीव करें और फिर इसके पीछे की थ्योरी पे जाएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप नंबर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, हमारा जो टैब्स लिखने का तरीका है थोड़ा अलग है, मुझे पता है कुछ लोगों को नापसंद है, बट मुझे लगता है ये बिगिनर फ्रेंडली है इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि इट कंसिस्ट 16 नोट, मतलब 16 नोट्स हैं इसमें, 16 साउंड्स हैं इसमें। तो आप उसको 8+8 में एक बार याद करने की कोशिश करें, या चाहें तो 4+4+4+4 करके भी याद करें और फिर उसको एक साथ कंबाइन करें, ठीक है। ये साउंड करती है कुछ ऐसा, ठीक है। तो अभी इसको ब्रेकडाउन करते हैं। पहले चार नोट जो हैं, आपको पहली चीज ये समझनी है कि 7 और 5 में हो रहा है, सिर्फ स्ट्रिंग्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं। तो आपका फिंगर पोजीशन होगा या तो आप ए और सी यूज करेंगे 5 और 7 के लिए, या आप यूज करेंगे मिडिल एंड लिटिल बी और डी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। स्टार्टिंग विथ 5-7 ऑन 4th स्ट्रिंग, देन 4th एंड 3rd। सो पहले चार नोट हैं 7-5-7-5, ओके, 7-5 on 4th, देन 7 on 4th एंड 5 on 3rd। तो पहले चार नोट, अगले जो चार नोट है वो है 7-5-7-5, 4th string 4th string 3rd string 3rd string। तो टोटल हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4। नेक्स्ट जो है वो है 7 4th 5th 3rd 7 4th 5th 4th, ठीक है। अभी तक टोटल 4+4+4 हुए हैं, तो 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5, और लास्ट जो चार नोट है वो होने वाले हैं 7 5 7 5, मतलब इसमें हमने किया 4th string 4th string 5th string 5th string, ठीक है। अब लगातार ये पूरे 16 के 16 नोट एक साथ प्ले करते हैं। अब मैं काउंटिंग कर रहा हूं, अब मैं 7 5 नहीं बोलूंगा, मैं नंबर्स बोलूंगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बैक टू बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं मेट्रोनोम के साथ, तो देखिए कितना अच्छा और कूल फील देगा ये। 2 3 4, इस तरीके से 8th नोट पे मैं प्ले कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता 8th नोट क्या है, तो हमने प्रॉपर एक लेसन बनाया हुआ है स्ट्रमिंग पैटर्न्स को लेके, आप वो देखिए और समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। लेट्स ट्राई फास्टर, 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and, और फास्ट करते हैं, 2 and 3 and 4 and, और फास्ट कर सकते हैं,
हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आप बढ़ाएंगे, करंटली आई एम प्लेइंग 200 BPM 8th नोट, सो अगर मैं 1 नोट के हिसाब से देखूं तो आई एम प्लेइंग ऑन 400 BPM विच इज नॉट अ बिग डील, आई नो आई एम नॉट शोइंग ऑफ, मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे और फास्ट प्ले करने वाले गिटारिस्ट के लेसन आप देखते होंगे, बट फिर भी 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप इसमें बहुत सारा इंप्रोवाइज भी कर सकते हैं, वो बात की बात है, बट पहले इसको याद करो, एज ए एक्सरसाइज खत्म करो और फिर इस पर इंप्रोवाइजेशन की बात कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया हो, अगर ऐसा है और ये एक्सरसाइज आपको इंटरेस्टिंग लगी है और आप प्ले कर पा रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए, कोई इशू रहे तो इंस्टाग्राम पर मिलते हैं अपन, बाकी कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू सून।